दोस्तों से उधार लिए रुपए न लौटाने में नाकाम रहे दोस्तों ने कर डाली दोस्त की हत्या। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि गाजियाबाद की थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने 22 मार्च को अपहरण के बाद हुई हत्या का खुलासा किया है, जिसमें क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने अपहरण कर हत्या को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी ग्रामीण रवि कुमार ने बताया कि 22 मार्च को दीपक उर्फ भोरे को चार लोगों ने अपनी होंडा सिटी कार में अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। दीपक की हत्या उसके ही दोस्तों ने की थी, क्योंकि मृतक दीपक ब्याज का काम करता था और उसने अपने दोस्तों को ब्याज पर 1 लाख रुपए से अधिक रुपए उधार दिया था, लेकिन बार बार मांगने के बाद भी रुपए न लौटाने में नाकाम रहे आरोपियों ने अपने ही दोस्त दीपक का अपहरण कर उसको मौत के घाट उतार दिया और हत्या के बाद शव को हेंडन नदी में ईस्टर्न पेरीफेलर एक्सप्रेसवे के बाद फेंक दिया और फरार हो गए थे। एक फार्म हाउस था जो पार्किंग की तरह इस्तेमाल हुई थी, तो वहीं पे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, गोली भी लगी थी और बाद में पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद ये पोस्टमार्टम बाद ये भी पता चला कि गले पे व्यवहार किया गया था और उस बॉडी को इन लोगों ने होंडा सिटी के माध्यम से ले जाके पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से ऊपर जाते हुए इंडियन नदी के पास में इन लोगों ने फेंक दिया था, लाश को ठिकाने लगाया था। फिर साथ में जो स्कूटी थी, स्कूटी को भी इन लोगों ने गंगा के पास फेंक दिया था। तो काफ़ी ये इन लोग की जो घटना उस समय ये सनसनीखेज थी और इन लोगों ने बॉडी ठिकाने लगाया था, तो उस घटना का लेकिन क्रॉसिंग रिपब्लिक की पुलिस ने और हमारी स्वाट टीम ने सभी ने मिलकर काफ़ी तेजी के साथ अनावरण किया था और एक ही दिन में जो है दो अभी पकड़े भी गए थे, दो अभियुक्तों को पहले जेल भी भेजा गया था और पुलिस साजिश में दो और अन्य अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें एक का नाम है मुकेश और दूसरा प्रिंस। ये लोग इसमें मेन मास्टरमाइंड मुकेश था, तो ये लोग फरार चल रहे थे। आज इनकी भी गिरफ्तारी कर इनको भी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से जेल भेजा जा रहा है। इनके कब्जा से एक तमंचा, एक जो है लोहे की दरातियाँ, दांव जो भी बोलते वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ इन लोगों के पास से जो स्कूटी इन लोगों ने ठिकाने लगाई थी उसका टूटा हुआ नंबर प्लेट भी बरामद हुआ है। होंडा सिटी पहले ही उसी दिन बरामद हो चुकी थी। तो इस तरह से इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई। इस कारण हत्या की गई, हत्या के कारण इनके आपसी विवाद थे, जिसमें पैसे का भी विवाद था और भी अन्य विवाद थे। इन लोगों की पहले लड़ाई झगड़े भी हुए थे और ये इनके बीच में टसल चल रही थी, तो इन सारे कारणों से। स्कूटी कब तक बरामद के लिए क्या किया जा रहा है आपकी ओर से? नहीं, स्कूटी बरामद के भी प्रयास किए जा रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर गायब होती है तो उसकी बरामद के लिए प्रयास जारी। सर, इसमें ये सिर्फ चार लोग थे या कोई और भी इनके साथ था? नहीं, अभी इसमें जो है मुख्य चार इन्हीं लोगों का घटना करने में पूरा ये हुआ है। दो जो हत्या की गई है इसमें पूरे चार लोगों को जो शामिल थे सभी को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है और आगे। सर, गोली चलाना और दाव का हमला इनमें कैसे हुआ था, गोली किसने चलाई थी? गोली इसमें मुकेश ने चलाई थी और बाकी इन लोगों ने मिलके उसके गले पे भी वार किया था और वो चीज़ पोस्टमार्टम में भी आई है, तो दाव भी बरामद किया गया। इन लोगों ने इसको भी छुपा दिया था, फेंक दिया था जंगलों में, ठिकाने लगा दिया था, तो इनकी निशानदेही पे कल सर्च ऑपरेशन जो है जब पकड़ा गया उसके बाद से सर्च ऑपरेशन चला के गिरफ्तार कर दिया। सर, इन उसमें जो बात आ रही है मुख्य रूप से पैसों को लेन देन को आ रही है, लेकिन कितनी रकम होगी जो लेन देन के लिए जान से मारा गया? देखिए, ये रकम 1 लाख से ऊपर की बता रहे हैं, एग्जैक्ट अभी इनके बीच का लेन देन है। तो हमेशा विवाद तभी होता है जब देने वाला कुछ ज़्यादा क्लेम करता है और लेने वाला कम क्लेम करता है, तो इसके हिसाब से 1 लाख से कुछ ऊपर का भी विवाद है।